This conference will now be recorded. आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं पिवट टेबल और हम बात करेंगे पिवट टेबल का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में आपने देखा कि किस तरीके से हम पिवट टेबल का इस्तेमाल करते हैं और जैसे मैंने बताया कि हम पिवट टेबल MIS के लिए यूज करते हैं, पिवट टेबल हम डेटा एनालिटिक्स के यूज के लिए करते हैं और पिवट टेबल अगर आप सीखना पड़ेगा आपको जगह आप अगर आप टैबलू एंड पावर बीआई सीखते हैं। सो अगर आप टैबलू एंड पावर बीआई सीखते हैं तो टैबलू एंड पावर बीआई भी आपको पिवट के ऊपर ही बेस्ड है, मतलब उसका बेसिक स्ट्रक्चर पिवट ही है, बाकी उसमें बहुत सारी चीजें हैं। सो पिवट एक्सेल पिवट को जानना जरूरी है अगर आप डेटा एनालिटिक्स करते हैं या MIS करते हैं या फिर आप टैबलू एंड पावर बीआई सीखने का प्लान करते हैं। तो पिवट टेबल की पहले पार्ट में हमने बताया था आपको डेटा को समराइज करना, ग्रुपिंग, सॉर्टिंग, फिल्टर, मूविंग, ये बताया था एंड हमने बताया था पिवट टेबल पे कैलकुलेशन, राइट सर। अब हम बात करने जा रहे हैं पिवट टेबल के कुछ नए चीज के ऊपर। जैसे कि अगर हम मान लीजिए पिवट टेबल हमारे पास है और मुझे कई सारे पिवट्स बनाने हैं तो हम कैसे एक बार में बनाए अगर फिल्टर के बिहाफ पे बनाना है। तो डेटा हमने आपको कल समझा दिया था, फिर भी एक बार और ठीक है। तो बेसिकली जो डेटा दिख रहा है मैं डेटा एक सेल्स का डेटा है जिसमें एक पर्टिकुलर टीम के मेंबर्स ने एक प्रोडक्ट को एक रीजन में सेल किया है, लेकिन सेल करने के लिए टेलीकॉलिंग में मतलब कि कॉल करते हैं कस्टमर को बताते हैं, कस्टमर एग्री होता है देन कॉल करते हैं। उनका डिटेल्स है कितने घंटे वो लॉग इन रहा, कितना टॉक टाइम रहा, कितने देर कॉल को होल्ड किया, कितनी क्वांटिटी सेल की, तो उसके हिसाब से एक घंटे में कितनी क्वांटिटी सेल हुई, जैसे कि 7 घंटे लॉगिंग करने में उसने 22 क्वांटिटी सेल की है। जो प्रोडक्ट बेचा उसका MRP क्या था, हालांकि यहाँ पे रेवेन्यू था लेकिन हमने MRP कर दिया और रेवेन्यू पर आवर कितना हुआ, कॉल्स कितने थे, ठीक है कितने कॉल्स किए गए। अब यहां तक हो गया सेल्स का डेटा हमारा। अब यहाँ आ गई ऑडिट का डेटा कि उसके कॉल्स को ऑडिट किया गया, क्यूसी किया गया तो 24 कॉल्स गुड एक्सलेंट निकले, 40 गुड, 32 फेयर, 15 पुअर निकले, टोटल 111 कॉल्स किए गए, ठीक है। कस्टमर का रेट तो मिला 0.58 मिला और इसके जो कॉल्स है उसमें 64 पॉजिटिव थे एंड 47 निगेटिव थे। डेटा समझ में आ गया आपको? हाँ। चलिए तो अब हमारे पास क्या क्या है कि हम रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, राइट। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा रिपोर्ट डिफरेंट डिफरेंट एंगल से ना एक ही एंगल से बने, तो वो चीज हम यहाँ आपके साथ करने वाले हैं। मैं एक बार इसको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक पिवट टेबल लगा हुआ है, इसमें हमारे पास देख रहे हैं वीकली रिपोर्ट आपको दिख रहा होगा कि वीकली रिपोर्ट है, हमने कल इस पे डिस्कस किया था। अब मुझे क्या करना है कि मेरे पास जो है तकरीबन टीम है हमारा और ये टीम तकरीबन 8-10 टीम है, तो मुझे हर टीम का अलग अलग रिपोर्ट चाहिए। जैसे मुझे यहाँ पे टीम ए का रिपोर्ट आ गया, यहाँ आ गया। अब अगले सीट पे होना चाहिए टीम बी का, टीम बी का रिपोर्ट, टीम सी का रिपोर्ट, टीम डी का रिपोर्ट, इस तरह से ए से लेकर जेड तक जो भी टीम है वो सारे टीम का रिपोर्ट मुझे डिफरेंट डिफरेंट शीट्स में चाहिए इन द पिवट। क्लियर है? हाँ। तो कैसे करें, इसके लिए आपको यहाँ जाना होगा डिजाइन में, डिजाइन नहीं सॉरी एनालाइज में। एनालाइज में आप जाएंगे तो यहाँ आपको पिवट टेबल ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए। यहां दिखेगा सो रिपोर्ट फिल्टर पर पेज, क्या है सो रिपोर्ट फिल्टर पर पेज, हम इस पे क्लिक करते हैं और हम टीम पे क्लिक करते हैं क्योंकि हमने टीम को ही फिल्टर में रखा हुआ है। इस पे ध्यान दीजिएगा कि आपका जिसके अकॉर्डिंग आप सीट को स्प्लिट करना चाहते हैं रिपोर्ट को सीट वाइज,
वो फील्ड आपका फिल्टर में होना जरूरी है। यहाँ फिल्टर में जैसे आप इसको ओके किया, ओके करते ही आप देखेंगे कि हर टीम का अलग अलग रिपोर्ट यहाँ बनना शुरू हाँ जी, ले रहा है। हाँ जी, दोबारा रिपीट करने की जरूरत है। नहीं, तो आप इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं, राइट सर। हाँ अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब एक इस तरह के अगर केस स्टडी की हम बात करें तो हमारे पास एक और केस स्टडी है, चलिए उसके बारे में हम डिस्कस करें। हमारे पास एक डेटा है, मैं इसके डाउनलोड में जाता हूँ, तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस का डेटा है हमारे पास। मैं इसको ओपन करता हूँ। तो जैसे कि आप ऑफिस में जाते हैं तो आप अपना कार्ड को स्वैप करते हैं, या कुछ किस ऑफिस में थंब इम्प्रेशन भी होता है, पता है ना सर। हाँ सर, तो आप चाहते हैं कि मैं अपना थंब इम्प्रेशन या अपना कार्ड को यूज किया है, उसकी एक डेटा है हमारे पास। तो हमें बोला गया है कि हमें अटेंडेंस, हमारे पास अटेंडेंस ऑलरेडी आई है, लेकिन उसको वेरीफाई करना है अपने उस कार्ड बाय अटेंडेंस। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, मैं बने पहले से बनाया हुआ सीट को मैं यहाँ से डिलीट कर। तो मेरे पास पहला डेटा है कार्ड का डेटा, जिसमें वो स्वेप किया है, उसका एक्सेस है यहाँ पे, डिटेल है कि कब किया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो स्टाफ है हमारे, आप है, एक ब्राउज़र से घुस गए तो आप कार्ड को, जरूरी थोड़ी है कि आप ऑफिस में रहेंगे, आप बाहर निकलेंगे। हम दिन में कई बार बाहर निकलते हैं ना, कभी लंच करने के लिए, कभी किसी से मिलने के लिए, और अपना सबसे बड़ा फेमस सुट्टा मारने के लिए। तो उस केस में क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो है कई बार रिपीटेड है। तो सो मुझे डेटा चाहिए कि डेट्स और इस दिनों प्रेजेंट था या अब्सेंट था, मुझे इस चीज को निकालना है, और मैं इसको निकालना चाहता हूँ पिवट से। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और हम जाएंगे इंसर्ट पिवट टेबल एंड ओके। हमने नेम को या एम्प्लॉय कोड को रख लिया रो फील्ड में, और डेट को रख दिया हमने किसमें, कॉलम में। कॉलम्स, डेट वाइज ही आ रहा है, लेकिन प्लस होकर ग्रुप हो गया रहा है ना सर, क्योंकि हाँ तो टाइमिंग है ना, दिख रहा है ना आपको सर, क्योंकि डेट आवर मिनट सेकेंड ये सब में आ गया है, क्योंकि जो ऑटोमेटिकली ग्रुप हो गया हुआ है। तो हाँ उस केस में हम इसको सबसे पहले तो अनग्रुप करेंगे। अनग्रुप करते ही आपका हर एंट्री आ गई कि 6 तारीख को 6:12, 15 मिनट, ये देखो आपको 6 तारीख कितना डेटा है आपका। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके हम जाएंगे ग्रुप पे, इसको हम डेज वाइज ग्रुप कर लेंगे। यहाँ स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट ऑटोमेटिक आ जाता है, चेंज भी कर सकते हो। इसके बारे में हमने कल क्लास में डिस्कस किया था। तो आप जो है ग्रुप कर लिया हमने इसको, तो ग्रुप करते क्या हो गया कि यहाँ पे डेट जो है एक एक दिन का आया आया। तो अब हमने हमने निकाल लिया कि डेट वाइज डेट और नेम डाल दिया। अब इसके बीच में हमें क्या चाहिए, अपना अटेंडेंस चाहिए। तो वापस मैं इंप्लॉय कोड को, नेम को, या फिर इसको, तीनों में से किसी एक को उठाया और इसको वैल्यू में रख दिया काउंट के, मतलब कि जिंदर ने 1 तारीख को 9 बार कार्ड को पंच किया है, आने जाने दोनों मिला। तो हम अब यहाँ पे कि और है कि देखिए 0 है 0 है ना सर, ब्लैंक है, हाँ मतलब कि इस दिन अपसेट था। तो मैं चाहता हूं कि तो जिस दिन अब्सेंट था वहां पे 0 आया, या फिर अब्सेंट ही लिखा हुआ आ जाए। तो पिवट टेबल ऑप्शन पे हम जाएंगे और यहाँ आपके सामने आता है ये फोर एम्पटी सेल्स, हो यहाँ पे 0 दे दे,
या ए दे, समझे? यहाँ मैं ए भी लिख सकता हूँ आपसे, लेकिन मैं यहाँ पे जीरो लिख देता हूँ फिलहाल। आप ठीक मुझे जीरो को ए और नंबर्स को पी में कन्वर्ट करना है। याद होगा आपको कंडीशनल कस्टम फॉर्मेटिंग की क्लास, कस्टम उसमें हमने एक चीज बताया था, याद है सर? भूल गए। कस्टम में हमने यहाँ पे पी लिख दिया, सेमी कॉलन दिया, एक पॉजिटिव के लिए हुआ, अब निगेटिव में कुछ है नहीं तो ब्लैंक कर दिया और यहाँ पे दे दिया ए फॉर एब्सेंट। और यहाँ पर राइट क्लिक किया, पिवट टेबल ऑप्शन पे गए और इसके जो टोटल एंड फिल्टर्स है वो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक ओके है, ग्रैंड होटल। अब इसकी प्रिंट आउट आप निकाल लेंगे या जो करना हम कर लेंगे। हाँ सर। अब दूसरा हमारे पास डेटा है जिसमें हमारे पास इन भी है और आउट भी है, और इन आउट दोनों का रिपोर्ट करता है, कितने बजे इन हुआ और कितने बजे आउट हुआ। इसका भी यह हम पिवट से निकाल सकते हैं, पिवट टेबल इस पे गए। अब इसमें मैंने नेम को रखा और इनको उठा के मैंने कॉलन में रखा यहाँ पे, और यहाँ भी हमने बताया सेम प्रॉब्लम था, तो इसको हम सबसे पहले करेंगे अनग्रुप, फिर करेंगे ग्रुप, और ग्रुप में हम सिलेक्ट करेंगे ओनली फॉर डेज। उसके बाद हम इनको उठा के रखे यहाँ पे और आउट को भी उठा के यहाँ रखते हैं, बट इसकी वेल्यू सर। काउंट आ रहा है, हमें काउंट नहीं चाहिए। हम इसकी वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाएंगे और हमने इसका मिनिमम इन का मिनिमम उठा लिया, सबसे छोटा, क्योंकि हम बता रहे आपको कि डेट एंड टाइम जो हम लिखते हैं वो एक्चुअल में नंबर ही होता है, देखा ना सर? हाँ सर। सबसे छोटा नंबर ले लिया और हम आउट को हमने बोला कि सबसे बड़ा नंबर, सबसे लास्ट नंबर तो बड़ा ही नंबर होगा, हाँ ये आ गया हमारा। अब इसको हम यहां से सेलेक्ट करेंगे टाइम फॉर्मेट में, तो टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट या आपका होता है एट द रेट, वो कर दीजिए, कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको मिनिमम मैक्स, मिनिमम इन, तो यहाँ छोड़ दीजिए, इन लिख दीजिए, लेकिन इन मारते आपके कॉलम करेगा ऑलरेडी एग्जिस्ट बताएगा, ऑलरेडी एग्जिस्ट बताया क्यों, क्योंकि इन नाम का ऑलरेडी फील्ड है, इसलिए इन नाम का फील्ड नहीं रह सकता। तो मैंने यहाँ पे स्पेस दिया, एंटर मारा, तो देखिए यहाँ पे इन आ गया। और ऐसे यहाँ पे हम आउट लिखेंगे और एंटर मारेंगे, दिक्कत देगा तो स्पेस दे देंगे तो आउट आ जाएगा। अब ये दोनों देख रहे हैं आपको समझ, तो ये मर्ज हो जाए इस तरह से, ताकि पता चले कि हाँ एक तारीख का है, तो डायरेक्ट मर्ज नहीं कर सकते, हमें इसे राइट क्लिक करना होगा, पिवट टेबल ऑप्शन पे जाना होगा और इसको मर्ज एंड सेंटर सेल्स विथ लेवल करके ओके कर, अब इन मर्ज हो गया। हाँ ठीक है सर, क्लियर है? हाँ यहाँ से हमने फिल हीटर, देखिए अभी क्या था, इस तरह से दिखा रहा था ना फिल हीटर, ये कॉलम लेवल दिख रहा था, मैंने यहाँ से फिल हीटर को अनचेक कर दिया, तो ये देखिए आपका नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, हाँ क्लियर है? हाँ सर। और वापस अगर मैं पिवट टेबल एलआई पे जाऊं, फिर इधर पे क्लिक करूं तो आपको फिर आप यहां चेंज कर सकते हैं, यहां कर देता हूं डिपार्टमेंट में नेम, हमने या हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है सर? और रोल लेवल को मैं डिलीट कर देता हूं, डिलीट नहीं हो, चेंज हो गया, स्पेस मार दिया, चेंज हो गया, ठीक और पूरे को सेलेक्ट करके मैं डबल क्लिक करता हूँ ताकि ऑटो फिट हो जाए, तो आपका रिपोर्ट तैयार। हाँ सर। अब चलिए पिवट टेबल के ऊपर कुछ और भी जो छोटे छोटे चीज है उसके बारे में एक बार जान लेते हैं। पिवट टेबल,
जैसे कि ये आपका फिल लिस्ट है, फिल लिस्ट शो कर रहा है उसको हर जाएगा आ जाएगा, प्लस मतलब माइनस का बटन होता है। जैसे मैंने मान लीजिए टीम ले लिया और टीम के नीचे टीम मेंबर ले लिया, ये दिख रहा है प्लस माइनस, इससे क्या होता है हाँ एक्सपेंड कोलैप्स होता है एक्सपेंड होता है। ये हटाना है तो यहाँ से आप हटा सकते हैं, लाना है तो ला सकते हैं। और फिल हीटर बता ही दिया कि जो ऊपर के हीटर है वो गायब हो जाएगा। उसके बाद रिकमेंडेड पिवट टेबल था। अब बात करते हैं पिवट चार्ट की, तो पिवट चार्ट की हम बात करेंगे थोड़ी देर में, इसको भी फिलहाल स्किप करते हैं। ठीक और है कैलकुलेशन मैंने कल पढ़ाया था आप देख लीजिएगा, और ये जो ठीक है आपका रिलेशनशिप है ये भी हम आपको बात करेंगे आगे के लेसन में पिवट में। इसके बाद क्लियर है, ठीक जैसे बहुत सारे पिवट आपने लगा रखा है तो क्लियर ऑल कीजिएगा, तो पूरा क्लियर हो गया, यहाँ से पूरा फील्ड हट जाएगा। दूसरा ठीक है सर सिलेक्ट, सिलेक्ट में क्या होता है कि डेटा को आप चाहते हैं सिलेक्ट करना, डेटा को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो इसमें आप सिलेक्शन का यूज कर सकते हैं कि सिलेक्ट सिलेक्ट एंटायर पिवट, या फिर ओनली फॉर वैल्यू, या फिर ओनली फॉर लेवल, इस तरह से कर सकते हैं। अनेबल सिलेक्शन आपको दिख रहा होगा। अब अनेबल सिलेक्शन क्या करता है, जैसे हमने यहाँ पे रख दिया, तो अगर हमने इसको सिलेक्ट किया, देखा इस पे क्लिक किया क्या हुआ, जितने भी हमारे टीम मेंबर्स थे वो सारे सिलेक्ट हो गए, टीम सिलेक्ट नहीं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपका अनेबल सिलेक्शन एक्टिवेट था। अगर इसको डीएक्टिवेट कर दिया तो अब आपको मैनुअली सिलेक्ट करना पड़ेगा, अनेबल सिलेक्टर नहीं। तो मूव पिवट, आपने पिवट लगाया हुआ है लेकिन किसी और सीट पे मूव करना है तो आप मूव कर सकते हो। चेंज सोर्स डेटा हमने कल बताया था कि अगर आपके पास डेटा चेंज हुआ है तो उसको सोर्स को चेंज कर सकते हो। रूप भी बताया ही ठीक था, इसमें मोस्टली चीज हमने बताया, लेकिन कुछ चीजें स्लाइसर्स हैं, पिवट चार्ट्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं, ये अभी हमने इसको इग्नोर किया हुआ है, अभी हम इसको बताएंगे थोड़ी देर। ठीक है तो अभी तक जो चीजें मैंने पढ़ाई वो चीजें थी आपकी पिवट टेबल से, वो ठीक है पिवट टेबल जो कि माइक्रोसॉफ्ट 2007 तक है, नहीं अभी इसकी और बाकी है। अब हम बात करते हैं कि मेरे पास जो पिवट टेबल है जो आपको दिख रहा डेटा है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मेरा डेटा बार बार अपडेट होता है। जैसे मैंने अच्छा बोला कि अगर आप रिफ्रेश करते हो तो आपके अपडेट करने, रिफ्रेश करने, लेकिन कोई नई डेटा आपने एंटर की है नीचे, या कोई पुराने डेटा को आपने डिलीट किया तो पिवट उसको रिफ्रेश करते ही अपने पास, वो ऐसा नहीं कि रिफ्रेश को कम या ज्यादा कर ले, तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, सर एक बार और ये बता तो दीजिए मेरे को, यही जो बताया आपने इसका। बता रहा हूं आपको, जैसे कि मान लीजिए कि हमने पिवट लगाया, ठीक है, पिवट लगाया हमने, इसको टीम वाइज पिवट यहाँ पे लगा दिया, और हमने सेल्स यहाँ पर सेल्स जो है यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है, रिपोर्ट ठीक है बना हुआ है। अब मेरे डेटा में कुछ नया डेटा है, मान लो ये डेटा मान लीजिए जैन तक का, मेरे पास फरवरी का डेटा है, और फरवरी के डेटा में टीम के है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ठीक है अब आपका पिवट में उस टीम के का डेटा नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, कि पिवट जो आपका लगा हुआ है वो 3 121 तक लगा हाँ हुआ है, समझ गए। तो आपको हाँ इसमें पिवट में अपडेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कि एनालाइज में जाना पड़ेगा और जाना पड़ेगा चेंज सोर्स में, और फिर इसको हम पिवट को हमें दोबारा से सिलेक्ट करना अच्छा पूरे को एंड पूरा डेटा सिलेक्ट करके देना पड़ेगा, तब जाकर फिर वो आपके उस डेटा पे पिवट लगाएगा। ठीक है सर ये प्रॉब्लम है, मान लीजिए कि आपका डेटा बार बार अपडेट होता है तो आपको बार बार पिवट डेटा अपडेट करना पड़ेगा, तभी आप मान लीजिए भूल गए तो क्या होगा, आपकी रिपोर्ट बनेगी नहीं। मान लीजिए आपने रिपोर्ट को पिवट के थ्रू ही बना दिया हुआ है,
और डेटा से लिंक के डेटा को अपडेट करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, पीपर अपडेट हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं होगा जब तक आप उसका रेंज चेंज नहीं करेंगे तब तक। अगर आपने मान लीजिए पूरा सीट का रेंज दे दिया तो फिर आपको ब्लैंक का एक नया आइटम दिखेगा, वो भी हम नहीं देखना चाहते, ब्लैंक वाला दिखे। हाँ शुरुआती दौर में हम लोग ऐसे ही करते थे, हम पूरा सीट का रेफरेंस दे देते थे। क्या होता था, तो ब्लैंक का रेंज नीचे जो ब्लैंक होते थे तो ब्लैंक का नया कॉलम दे देते, हमें वो भी नहीं चाहिए। तो हम इस्तेमाल करेंगे एक्सटर्नल पिवट टेबल मेथड, ठीक है। तो हाँ मतलब कि अभी तक जो हमने हमने पिवट सीखा था वो पिवट हमारा नॉर्मल डेटा समराइजेशन है, कैलकुलेशन था। अब हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल पिवट टेबल, नया टॉपिक, ठीक ठीक है। और जैसे कि आप पिवट टेबल सीख रहे हैं किसके लिए, एमआईएस के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए, एंड अगर आप टैबलू एंड पावर बीआई सीखना चाहते हैं तो उसकी प्रिपरेशन, ठीक ठीक है सर। तो हाँ एक्सटर्नल पिवट टेबल आपको पता होना चाहिए। तो मतलब कि आपके डेटा किसी और लोकेशन, जैसे आपका डेटा डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है और पिवट आपको कहीं और लगाना है, या फिर सेम फाइल में ही आपको एक्सटर्नल मेथड से लगाना है। जैसे कि डेटा आपका ये है और मेरा ये सीट है, तो आप डायरेक्ट पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे ब्लैंक सीट पे, तो हम लोग डेटा सेट पे क्लिक करके और पिवट टेबल पे जाके क्लिक करते थे तो डेटा से नई सीट बना के पिवट टेबल लगा देता था। यहाँ तो आपको नई सीट पहले बनानी है और उसके बाद उसको पिवट टेबल से यूज करना है। तो आपसे पूछेगा जी रेंज, तो यहाँ देखिए यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स, हम इस पे क्लिक करें, राइट, हाँ चूज कनेक्शंस और हम ब्राउज फॉर मोर पे जाएंगे। और यहां पर आने के बाद जो हमारा डेटा है उस डेटा को सिलेक्ट करेंगे। डेटा ये तो नहीं है, वन ड्राइव में तो नहीं है, डेस्कटॉप पे है, नहीं डेस्कटॉप पे भी नहीं है डेटा। एक मिनट, मेरे डेटा का लोकेशन देख रहा हूँ, डेटा का हाँ लोकेशन क्या है, अच्छा ये मेरा सेव ड्राइव में पड़ा हुआ। वन ड्राइव में ना, तो हम यहाँ पे पिवट टेबल यूज एक्सटेंडेड सोर्स टूल्स कनेक्शंस ब्राउज टू मोर, अब मेरा डेटा इस लोकेशन पे पड़ा हुआ है, ठीक है, ये जी ड्राइव में है, यहाँ पे आ नहीं रहा था, वन ड्राइव में आना चाहिए था इसको। ये फाइल ओपन है इसलिए बोल रहा है क्या ऐसा, वन ड्राइव में मेरा डेटा क्यों नहीं आ रहा है, एक मिनट रुकिएगा सर, इस फाइल को मैं हाँ ठीक डेस्कटॉप पे सेव 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 कर रहा हूँ। ठीक वैसे मैं ऑफिस 365 यूज कर रहा हूँ ना, तो मेरा फाइल जो है यहाँ वन ड्राइव में सेव है, पर वन ड्राइव का एक्सेस नहीं आ पा रहा है। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। अब आएगा, तो मैंने पिवट टेबल पे गए, चूज कनेक्शंस ब्राउज फॉर मोर, और यहां पे हम चले गए डेस्कटॉप पे जहां हमारा ये फाइल है, और हम इस डेटा को ओपन करते हैं एंड इसको डेटा पे जाते हैं एंड ओपन, ठीक है सर। हाँ अब मैं इसको 3 बाइट फाइल को पाथ देखते हैं, पाथ
माय डेस्कटॉप ये। अब इसमें मैं मान लीजिए हमारे टीम का नाम लिख रहा हूं, देता हूं और यहां पे सेल्स देता हूं। आ गया सर। अब मैं एक और टीम, एक नया डेटा ऐड करता हूं। मैं यहां पे मान लीजिए कि नया एक टीम लेता हूं और यहां इसको यूज करता हूं, और टीम के जगह पे, ठीक है सर, जरा अब देखिए, बस हम पिवट को रिफ्रेश करेंगे जरा। ऐड हो गया सर। तो हमें बार बार पिवट के डेटा के सोर्स को अपडेट करने की जरूरत नहीं नहीं है, पड़ेगा। हमने एक्सटर्नल पिवटेबल मेथड से बनाया। हाँ अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि अगर ये तो चीजें हो गई, दूसरी चीज है कि मान लीजिए आपको ऑफिस में डम फाइल होता होगा। अब डम फाइल को जब भी हम ओपन करते हैं तो वो डम फाइल काफी ज्यादा टाइम लगाता है, क्या जब भी उसको ओपन करते हैं, क्योंकि वो फाइल में कितना बड़ा फाइल होता है खुलने में टाइम लगता है। जब भी उसमें हम पिवट परफॉर्म करते हैं तो पिवट में कैलकुलेटिंग टाइम लगा देता है, 100% कैलकुलेटिंग, 200% कैलकुलेटिंग, इस तरह से कैलकुलेटिंग टाइम लगा देता है। तो अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो डेटा है, ठीक है, किसी और, माने कि मैं, हम पिवट किसी और फाइल में और डेटा हमारा किसी और फाइल में रहा है, अच्छा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम किसी एक ब्लैंक फाइल में जाएंगे और पिवट टेबल पे क्लिक करके यहाँ पे यूज चूज कनेक्शन में जाके हम अपना उस डेटा को सिलेक्ट करके और हम उसको पिवट लगा देंगे, समझे। और पिवट हमेशा एक सीट पे लगता है, इसलिए यहाँ पे डेटा सिलेक्ट कीजिए एंड ओके एंड क्लियर है, डाउट इसमें। अब नहीं तो मैं पिवट किसी और शीट में है, किसी और फाइल में है, डेटा किसी और फाइल में। हाँ उस तरह से मान लीजिए कि आपका डेटा पड़ा है एमएस एक्सेस में और आपको पिवट लगाना है, तो आप एमएस एक्सेस की फाइल को भी पिवट में यूज कर सकते हैं। यहाँ रहा आपका, मैं डेटाबेस 6 या कुछ भी लेना चाहता हूँ ले लिया मैंने। अब इसमें देखिए कई सारे फाइल है ना, कुछ टेबल है, क्यूरी है, हाँ तो हाँ जो चाहिए आपको उसका सकते। तो मैंने बोला कि मुझे यहाँ पे व्हीकल का डेटा आना चाहिए, ओके। अब देखिए यहाँ पे व्हीकल का पिवट आ गया। हाँ अब मैं अपने हिसाब से रखूंगा, वर्क करेगा। उससे डेटा मान लीजिए आपके इसमें नहीं है, एसक्यूएल सर्वर में, तो आप टूल्स कनेक्शन पे जाइए और यहाँ ब्राउज फॉर मोर और यहाँ पे आप जो है न्यू सोर्स पे आइए। न्यू सोर्स में आप एसक्यूएल सर्वर सेलेक्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, सर्वर आईडी पासवर्ड डालिए, आ जाएगा। ओरिकल है तो ओरिकल का सेलेक्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, ओरिकल का डालिए, पिवट टेबल में आ जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी फाइल्स के बारे में मुझे समझ नहीं आ पा रहा है, तो अपनी पाथ को यहाँ पेस्ट कर दीजिए और ओपन कर दीजिए ऑटोमेटिकली। जैसे कि फॉक्स प्रो की फाइल है, नो आपको टैबलू की नोट है, बहुत सारी ऐसी फाइल है, उसको आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, हेलो। हाँ सर समझ। तो इसका ही कर सकते हैं, एक्सटर्नल सोर्स के जरिए हम पिवट टेबल लगा सकते हाँ हैं, क्लियर है। हाँ तो यहाँ पे हमारा एक्सटर्नल पिवट टेबल खत्म होता है और हम 2007 तक की पिवट को खत्म करते हैं। अब हम बात करेंगे स्लाइसर्स, पिवट चार्ट, टाइमलाइन, रिलेशनशिप के बारे में। सबसे पहले बात जी करते हैं स्लाइसर का। तो चलिए हम अपना डेटा ओपन करते हैं, जो डेटा हमने बनाया है अभी।
पिवट टेबल हम टैबलू पावर बी आई एंड एम आई एस की प्रिपरेशन के लिए सीख रहे हैं, राइट सर? चलिए, तो मेरे सामने पिवट है, मैं इसको पिवट टेबल लगाया। आपको अभी भी थोड़ा पहले फिल्टर के बारे में बताया था, और हमने कल की क्लास में भी आपको फिल्टर के बारे में डिस्कशन किया था। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा यहाँ पे एक रिपोर्ट है, वो है रीजन वाइज सेल्स का, राइट सर? अब प्रॉब्लम है कि मुझे इसका फिल्टर टीम मेंबर वाइज चाहिए, मुझे इसका फिल्टर प्रोडक्ट वाइज चाहिए, और भी दो तीन कैटेगरी उसके अकॉर्डिंग चाहिए। तो हम यहाँ से इसकी पिवट लगाते हैं कि टीम ए ओपन किया, पिवट आ गया, टीम प्रोडक्ट टू ओपन किया, इस तरह से आता है ना सर। अब इसमें कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती है कि मान लीजिए टीम मेंबर का नाम भी रख देता हूँ, अब यहाँ पे मैं टीम मेंबर मान लीजिए सिलेक्ट कर दिया अपने, तो देखिए नहीं नहीं है ना सर। तो मुझे अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा किसका है या किसका नहीं है, देखना पड़ेगा ना। तो वही चीज, यही प्रॉब्लम आती है इसमें। और दूसरी कि यह थोड़ा सा ग्राफिकल हो तो अच्छा लगेगा, तो हम इसमें से इसको हटा देते हैं और हम बात करते हैं स्लाइसर्स। तो हमारे पास यहाँ पे स्लाइसर्स है, आपको जो भी प्रोडक्ट जो भी आपको चाहिए आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए, एक अलग से आपको ग्राफिकल इंटरफेस आ जाएगा जहां पे आप अपने फिल्टर्स कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए कि हमने टीम ए पे क्लिक किया, ठीक है, और प्रोडक्ट वन देख रहे हैं आप कि टीम ए में प्रोडक्ट में चार ही है टीम मेंबर, नीचे हाईलाइट नहीं ना, नहीं तो ये पता चल गया। और लगाने में भी आसान, तो पहली तो ये हो गई, पहले बेनिफिट आप समझ गए स्लाइसर के। हाँ अब मैं मान लीजिए कि हमारे एक डेटा पे हम कई सारे एंगल से टोटल निकालते हैं और उसका हम यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका प्रोडक्ट टीम रीजन वाइज हमारा सेल्स है, अब मुझे रीजन वाइज एमआरआई चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, ये आपका रेवेन्यू है, मैं एमआरपी कर दिया था लेकिन रेवेन्यू एक्चुअल, ठीक है? तो अब क्वांटिटी और रेवेन्यू की रिपोर्ट एक पिवट में नहीं बन सकता, अब ऐसा क्यों नहीं बन सकता भाई? तो मैंने इसको यहाँ पे रेवेन्यू का रखा टोटल, एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि रेवेन्यू हो जाएगा, मैंने वापस रेवेन्यू के यहाँ पे रखा। अब मैं इस पे अगर चार्ट लगाता हूँ आपका इंसर्ट में ही या फिर यहाँ एनालाइज में पिवट चार्ट है, चार्ट लगाता हूँ, चार्ट में दिख रहा है सर आपको क्या? आपको एमआरपी दिख रहा है? तो क्वांटिटी कम होता है और एमआरपी ज्यादा होता है, तो दोनों की वैल्यू प्रॉपर्टीज अलग अलग, इसलिए चार्ट में कभी भी दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए। तो हमने इसके लिए अलग अलग चार्ट, मतलब कि अलग अलग रिपोर्ट हमें बनाने। तो हम एक एक और पिवट यहाँ लगाना चाहता हूँ। यहाँ पिवट लगाने का तरीका है, सबसे पहले तो पहले पिवट को फाइनल कर लीजिए, तो दूसरा पिवट हमने लगाना है, तो आप यहाँ इंसर्ट में आए पिवट टेबल और यहाँ एग्जिस्टिंग लोकेशन पे जाके अपना लोकेशन चूज कर लें कि आपको पिवट कहाँ लगाना है। अब यहाँ पे सेम हम रीजन वाइज और रेवेन्यू चाहते हैं सेल्स, ठीक है? उस तरह से मैं चाहता हूं टीम वाइज लॉगिन आवर, टीम वाइज कॉल्स। तो अब बार बार पिवट लगाने के लिए आपको जाने की जरूरत नहीं है, पहले पिवट को आप कॉपी कर दें और उसी को पेस्ट कर दें। ओके, एक ही बार बस। तो मुझे यहाँ पे टीम वाइज रेवेन्यू नहीं चाहिए, लॉग इन आवर चाहिए और एक और चाहिए टीम बाय कॉल्स। हम्म,
है। हाँ और यहाँ से हटा के कॉल दे देता हूँ। तो चार डेटा रिपोर्ट्स बन गए, लेकिन चार रिपोर्ट को हम ऐसे शो नहीं करना चाहते, इसको हम समरी शीट के ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो हम इसको सेलेक्ट किया इंसर्ट चार्ट, इंसर्ट से चार्ट यहां से ले लीजिए चार्ट, या पिवट चार्ट ले लीजिए, दोनों एक ही। चार्ट सेलेक्ट करने के बाद इसको देखिए, ये तो यहाँ पे सेल्स और ये रीजन वगैरह आ रहा है, तो राइट क्लिक करके आप हटा सकते हैं। हाइड ऑल फिल बटन ऑन चार्ट, टोटल यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे आप दे दीजिए कि रीजन वाइज टोटल ठीक है। अब इसका इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ डिजाइन में आएंगे, तो इसके रिलेटेड इसकी फॉर्मेट्स मिलेंगे। खाली चार्ट पे तो आगे चल के हम और डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन आप बस बेसिक सिंपल का चार्ट बता देता हूँ। अब इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी कट करते हैं, और हम समरी पे एक लोकेशन पे पैलेस करते हैं। अब यहाँ पे हम हेडिंग, ये तो है हमारा, यहाँ पे हम हेडिंग डाल देंगे, हेडिंग पे कॉल सेंटर, ठीक है। नमस्ते। यहाँ पे हम मंथ या डेट डाल देते हैं, मंथ सेप्टेम्बर, यहाँ पे फॉर्मेट सेल पे आते हैं, यहाँ पे हम कस्टम में एमएमएलएम, ठीक है, और इसको बोल्ड कर देते हैं, और इसकी बैकग्राउंड कलर को कुछ और कलर कर देते हैं, बाद में हटा देंगे। उसके बाद दूसरा रिपोर्ट लेकर आते हैं, ए इसको भी हम चार्ट में रिकॉर्ड करते हैं, डिजाइन इसमें एनालाइज में बच्चा, आप अपने हिसाब से अपने हिसाब से चार्ट देख लीजिएगा, हम सिंपल चार्ट ले रहे हैं, समय एक ही तरह के चार्ट ले लेते हैं, आप अपने हिसाब से अलग अलग चार्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे राइट क्लिक, यहाँ पे हाइलाइटिंग बटन, टोटल को डिलीट कर दिया, और यहाँ पे क्या है रीजन वाइज रेवेन्यू, और इसको भी कट करके हम समरी पे एक जगह पे इसको होल्ड कर लेते हैं। और फिर दो रिपोर्ट और हैं हमारे टीम वाइज, तो इसको मैं एक काम करता हूँ, लाइन चार्ट में लेता हूँ क्या, लॉग इन टीम लॉग, और इसके भी डिजाइन में जाते हैं, इसके भी कई सारे डिजाइन कर दिया, समझ ना है, इसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और लास्ट हमारा एक है टीम बाय कॉल्स,
इसको भी हम क्लाइंट साथ ही ले लेते, सही रहे। हमें चार्ट यहाँ से भी ले सकते हैं। राइट क्लिक, हाइड ऑल बटन, आई डोंट यहाँ पे टीम कॉल्स। और इसकी भी डिजाइन में जाते हैं, तो हमें यहाँ पे इसके डिजाइन में, ठीक है, कट करता हूँ मैं और समरी दिखाता हूँ। टेस्ट कर दिया, ठीक है सर। हाँ अब प्रॉब्लम आती है यहाँ पे, तो बन गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम यह है कि अब इसकी फिल्ट्रेशन की, तो हमने स्लाइसर का इस्तेमाल कर दिया, स्लाइसर में गए, हमने बोला कि मुझे टीम वाइज चाहिए, टीम मेंबर वाइज चाहिए, प्रोडक्ट वाइज चाहिए, रीजन वाइज चाहिए, ठीक है ना, और कस्टमर का रेट नहीं, निगेटिव पॉजिटिव छोड़ता हूँ, इतना ही जाएगा। अब मैंने इसको कट किया, कट करके यहाँ पे गए, और इसको भी कट करके हम मूव कर सकते हैं डिफरेंट सीट। तो हमने इसको अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, और टीम मेंबर्स के बगल में हो जाएंगे यहाँ। थोड़ा छोटा है तो मैं इसको यहाँ पे इसको भी आप मतलब कि ग्राफिकली सेट कर सकते हो हम, और फिर टीम टीम वाइज है, तो टीम वाइज के लिए हम टीम को नीचे, टीम यहां तक आ जाएगा और टीम मेंबर यहां तक आएगा, ठीक है सर। और इसकी छोटा है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये हम बना दिए, हमने कर दिया, अब थोड़ा सा इसको साइज यहां से व्यू थोड़ा सा कम करते हैं, ताकि सारा दिखे रिपोर्ट, ठीक है सर। अब मैं यहाँ पे अगर प्रोडक्ट, यहाँ पे अगर प्रोडक्ट वन सेलेक्ट करता हूँ तो प्रोडक्ट वन के अकॉर्डिंग रिपोर्ट मिल जाता है, प्रोडक्ट टू करता हूँ तो प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट टू, कोई चेंज यहाँ चेंज हो रहा है, एक चार्ट चेंज हो रहा है, बाकी चार्ट चेंज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा हमारा स्लाइसर है बाकी से कनेक्टेड नहीं है। कैसे कनेक्ट करेंगे? तो इस पे दो तरीके हैं, एक तो जब आप पहले एक पिवट बनाए उसके स्लाइसर लगा दें फिर उसको कॉपी करें तो ऑटोमेटिकली उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। अगर आपने पिवट बना लिया है, स्लाइसर बाद में लगाया है, फिर वो कनेक्टेड नहीं है, तो उस केस में हमारे पास क्या करेंगे, उसके बाद हमारे पास रास्ता यह है कि हम हर पिवट पे क्लिक करें और यहां आपके सामने आता है एनालाइज, इसमें देखिए फिल्टर कनेक्शन दिखेगा, फिल्टर कनेक्शंस, और हम इसको अपने फिल्टर में इसको क्लिक कर दें, फिर इस पे आते हैं, ये आपका फिल्टर कनेक्शंस, और फिर यहां पे आता है फिल्टर कनेक्शंस। राइट, आप देखिए, आप
में अगर प्रोडक्ट वन को सिलेक्ट किया तो पूरा चार्ट चेंज हो रहा है। हाँ कैलिफोर्निया सिलेक्ट करता हूँ तो सारा कैलिफोर्निया का रिपोर्ट आ रहा है। मैं टीम मेंबर मान लीजिए कि मैंने सिर्फ यहाँ पे क्लिस्टा सिलेक्ट किया तो क्लिस्टा का रिपोर्ट आ रहा है। हाँ सर समझिए ना, टीम सी को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो पूरा रिपोर्ट टीम सी के अकॉर्डिंग। ठीक है सर, तो इसको हाँ आप इस तरह से आप यूज कर सकते ठीक है ठीक है हैं। क्लियर है? हाँ तो सर